बहुत दुख लगा सर जब इस तरह का जानती घंटी अपने मुझे किया गया तो बहुत अफसोस लगा था उस समय। पुलिस वाले क्या लगता है कि वर्दी पहन लेंगे तो कुछ भी कर देंगे, किसी को भी कुछ भी कर देंगे, हम भी किसी के बेटे हैं, मेरी माँ रो रो के उसका हालत खराब हो गया घर में। मॉब लिंचिंग के कानून का उन पर लागू कीजिए आप, एक अकेले युवा को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया है और जातिगत टिप्पणी करते हुए प्रताड़ित किया है, तो ये मुझे ये मॉब लिंचिंग कानून का अधिकार मुझे भी मिलना चाहिए। टारगेट करके किसी को इस हद तक मारपीट करना, रोड पर घसीटना बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है। मुझे जान से मार देता ना सर, गोली मार देता ना, मुझे कभी दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से जातिगत टिप्पणी किया गया है ना, मैं इसे तो यही बोलूँगा कि सरासर उन लोगों ने एक मॉब लिंचिंग का नया तरीका ढूंढा है। और हम मांग करते हैं सरकार से, रांची पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से, दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाए। सर हम लोग न्याय यात्रा निकालते हुए मानव श्रृंखला का निर्माण किए थे पुराने विधानसभा से नए विधानसभा तक, उस बीच में चूँकि हम लोगों का यही चूँकि जितने भी मंत्री लोग सब लोग मिले थे, सब लोगों ने कहा था कि तुम लोग संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और उसे संघर्ष का नारा देते हुए हम लोग न्याय यात्रा निकाले थे। और जैसे ही हम लोग नए विधानसभा के समीप पहुँचे हैं, पुलिस हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी कि नहीं आप लोग धरना स्थल जाके बैठिए, तो हम लोग बोले हम लोग धरना करने नहीं आए, हम लोग न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। तो फिर ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आप लोग को जाना ही पड़ेगा, तो फिर हमारी महिला बहनों के साथ ज़बरदस्ती किया गया, तो हम लोग फिर वहीं पर बैठ गए। अब जब वहीं पर रोड किनारे बैठ गए तो फिर पुलिस अचानक से हम लोगों पर बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाने लगी, और पुलिस बैठने के बाद चूँकि मैं वहाँ पर नहीं था, सब लोग बता रहे थे कि सिर्फ वो लोग गुलाम हुसैन को खोज रहे थे कि कहाँ है गुलाम हुसैन, उसको बुलाओ पहले। तो चूँकि हम लड़कियों के बीच में बैठे हुए थे, लड़कियों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, तो उस बीच में जब वो लोग हमको नहीं पाया तो फिर अंततः लेडीज़ पुलिस लोग देखे कि यहाँ लड़का बैठा हुआ है, तो उस बीच में सबको बोला देखे गुलाम हुसैन यहाँ पर है, और सबका अटेंशन मेरे ऊपर आ गया और सब लोगों ने हमको धर दबोचा। तो फिर लड़की लोग उन लोगों से लड़ी और लड़की लोग हमको घेर ली चारों तरफ से, लड़की लोग का हमको लगता है कि दो राउंड से हमको घेर रखी थी। तो उसी बीच में जितने पुलिस वाले थे ना, अपना अपना बड़ा बड़ा जो उनके पास डंडा था, बड़ा बड़ा जो उनके पास लाठियाँ थी, लड़कियों के टांगों के बीच में जो गैपिंग था ना, उसी गैपिंग से मुझे डंडे से वो लोग कूटने लगे। हम अंदर में थे, कोई उधर से कूट रहा है, कोई इधर से कूट रहा है, कोई इधर से कूट रहा है, और चारों तरफ से मुझे चोटिल कर दिया अंदर में, मतलब कि कोई मेरे पेट में मारा है, कोई पीठ में मारा है, कोई मेरे हड्डियों में मारा है, और एक तो मेरे इस गर्दन में भी लगा था, ज़ोर से चोटिल हो गए। तो ये जैसे लगा तो हम वहीं पे फिर बेहोश हो गए, फिर लड़की लोग चिल्लाई, फिर पानी वगैरह फिर मैं छेटा मारा गया, तो फिर तब तक से पुलिस फिर आई, और जो धुरवा थाना के प्रभारी जो थे ना, वो बार बार एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि इस लड़के को पकड़ो, इसको जहाँ पकड़ लिया सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और इस तरह के मतलब कि अभद्र सा जातिगत टिप्पणी जो करने लगा वो ना, मतलब ऐसा जातिगत टिप्पणी किया कि सर मुझे लगा था कि उस समय कि मैं ये लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं अचानक से। और फिर अचानक से सब कुछ वहाँ पर आँखों तले मतलब अलग सा मंजर छा गया, फिर अचानक से वही प्रभारी आया और मेरे दोनों पाँव को खींचने लगा, और खींचते खींचते सीधे मुझे घसीटते हुए 10 मीटर तक मुझे घसीटता रहा। और कल चूँकि धूप भी काफ़ी था, ज़मीन में बहुत तप था, गर्म था, और पीछे में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मुझे जख्म भी लगा, पूरा मेरा जो मसल है वो काफ़ी इंजोर हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से ज़बरदस्ती मुझे उठाया गया, तो फिर बहन लोग आकर के मुझे घेर ली, फिर बहन लोग का बालों को पकड़ पकड़ के फिर वहाँ से हटाया गया, फिर वहाँ से हट गए। जैसे वो लोग हटे फिर मुझे पुलिस वाले पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दिए, और गाड़ी में डालने के बाद फिर कुछ देर के बाद मेरे साथ क्या घटना घटा कि मैं कुछ देर के बाद अपने आप को फिर हॉस्पिटल में पाता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में भी बेहोशी था। जब आपको धरना स्थल से उठा के लेके गए थे, कितनी दूरी पर आप गाड़ी से गिरे थे वहाँ पर? सर वो धरना स्थल नहीं था, सर धरना स्थल था ही नहीं, वो वहाँ से हमको लगता है कि 20 या 30 मीटर की दूरी तक गए होंगे, उसके बाद ही मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी में पूरी तरह से बेहोशी था, अधमरुआ पड़ा हुआ था गाड़ी में, मुझे याद भी नहीं आ रहा था सही से कि मैं वहाँ पे मतलब कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद अपने आप को ज़मीन में हम पाएँ, और काफ़ी ज़्यादा खून से लथपथ पाएँ, और अचानक से हाथ पैर पूरा खींचने लगा, फिर लड़की लोग का चिल्लाहट आवाज़, और फिर अचानक से फिर तुरंत मुझे फिर हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कर दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा सर मतलब कि मुझे चोट लगा ना सर, मुझे इस बात का कभी दुख नहीं हुआ सर, मुझे मारता मुझे अलग से मुझे जान से मार देता ना सर, गोली मार देता ना, मुझे कभी दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से जातिगत टिप्पणी किया गया है ना, मैं इसे तो यही बोलूँगा कि सरासर उन लोगों ने एक मॉब लिंचिंग का नया तरीका ढूंढा है। गिरने के बाद मुझे इतना सुनाई दे रहा था कि लड़की लोग रो रही थी कि भाई को जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करो, तो वही लोग बोलते मरने दो इसको। फिर उसके बाद तो वहाँ तक तो दूर की बात सर, HEC अस्पताल जब लाया गया तो 10 मिनट तक ही मतलब मेरा वहाँ इलाज चला, और तुरंत वहाँ से बोला कि इसको तुरंत रेफ़र कीजिए रिम्स में, तो रिम्स से रेफ़र कर दिया। उसके बाद 2 घंटे तक मुझे वहीं पर रखा गया,
और बाकी उसके फिर प्रभारी लोग को बुलाया गया। प्रभारी लोग आए और डॉक्टर हॉस्पिटल में डांट डपट करने लगे कि आप लोगों ने रिम्स रेफर का कागज क्यों बनाया, आप लोग यहाँ का कागज क्यों नहीं बनाए, बोलिए नॉर्मल इंजरी है, आप लोग रिम्स रेफर क्यों कर रहे हैं। तो चूंकि वो कागज बना चुके थे, हम लोग उस कागज को पहले वायरल कर चुके थे, इस कारण से डॉक्टर दोबारा दूसरा कागज बनाने से मना कर दिया और फिर हम लोग यहाँ पे आए और फिर हम लोग अभी भी यहीं पे इलाजरत हैं। और दो घंटे तक सर मैं आपको और जिस्म में कहाँ कहाँ चोट लगी है? सर में चोट लगा है, सर में 3-4 टांके भी लगे हुए हैं, काफ़ी चोट लगा है सर में। उसके बाद ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे बहुत चोट लगा है, अभी छूते भी हैं तो ऐसे लगता है कि मतलब कि सुई चुभ रहा है यहाँ पे, सिर्फ छूते भी हैं तो पता नहीं कौन सा नस किधर चला गया है। और मेरा गला को भी दबाने का प्रयास किया गया है, जब वो लोग मुझे उठा रहे थे तो कुछ लोगों ने मेरे हाथों को पकड़ा था, हाथ को पकड़ने के बाद क्या ज़रूरत था बाल पकड़ने का, बाल को भी ज़ोरों से पकड़ के मतलब खींचा गया है, मतलब कि अमानवीय तरीके से मुझे घसीटने का पूरा काम किया गया है। ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मुझे मतलब कि वो लोग उठाया जा रहा है या तो फिर मुझे वो लोग धरनास्थल से हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से था, मतलब कि हम कह सकते हैं सर कि पूरी तरह से ये लोग अटेम्प्ट कर रहे थे मुझे मारने का। आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं, और जिस तरीके से ये जो प्रशासन के लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है, जाति सूचक आपके साथ शब्द बोले हैं, अभी इस पर क्या कहना है आपका? वही बोल रहे हैं जो मॉब लिंचिंग के लिए हाल फिलहाल में कानून निकाले हैं आप ना, तो इसलिए मॉब लिंचिंग के कानून का उन पर लागू कीजिए आप। एक अकेले युवा को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया है और जातिगत टिप्पणी करते हुए प्रताड़ित किया है, तो ये मुझे ये मॉब लिंचिंग कानून का अधिकार मुझे भी मिलना चाहिए। पुलिस वाले क्या लगता है कि वर्दी पहन लेंगे तो कुछ भी कर देंगे, किसी को भी कुछ भी कर देंगे, हम भी किसी के बेटे हैं, मेरी माँ रो रो के उसका हालत ख़राब हो गया घर में, जब भी सोचते हैं घर वालों के बारे में तो एकदम जैसे लगता है कि ज़िंदगी मेरा अंधेरा हो चुका है सर, इतना जातिगत टिप्पणी सर ऐसे कि यही सबको भीड़ लगा रहा है, यही सबको मार रहा है, ये सब टिप्पणी सर एक पुलिस प्रशासन इस तरह का जब जातिगत टिप्पणी सांप्रदायिक भावना जब उत्पादन करेगी सर, उत्पादन करेगी तो फिर आम आदमी का क्या होगा सर, वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, इसे हटाओ यहाँ से। बहुत दुख लगा सर जब इस तरह का जातिगत टिप्पणी मुझे किया गया तो बहुत अफसोस लगा था उस समय। पूरा नाम बताइए। मैं गुलाम हुसैन, बेरोजगार अभ्यर्थी बोकारो से। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि या पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हो या फिर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के सदस्य हो या आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा या इससे पूर्व में जो सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा मोराबादी मैदान में आंदोलन किया गया, कोई शौक से आंदोलन पर नहीं बैठा हुआ है। इस सरकार ने सत्ता पाने के लिए तमाम लोगों से, सत्ता प्राप्त करने के लिए तमाम लोगों को आश्वासन दिया था और वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे, पंचायत सचिवों को वादा किया गया था कि आप लोगों की नियुक्ति होगी, सहायक पुलिसकर्मियों को वादा किया गया था कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, पारा शिक्षकों को वादा किया गया था कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको नियमित किया जाएगा, आपके वेतनमान को बढ़ाया जाएगा। और सत्ता पाने के बाद ये जो सरकार है तमाम अपनी वादाओं को भूल गई और सत्ता के अंधियारे गलियारों में कहीं खो गई है, अपने जो वादा किया है उस वादा से भटक गए। तो उनके किए गए वादों को याद दिलाने के लिए तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो इस सरकार ने वादा किया था देने का, वो चीज़ लेने के लिए, अपना हक अधिकार लेने के लिए आंदोलन कर रहे, चूँकि सरकार ने दिया नहीं तो जब नागरिक को मिला नहीं तो वो तो मांगने के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगा। और आंदोलन जब कर रहे हैं तो उसके बाद जाति सूचक किसी को जाति के आधार पे टारगेट करके, जो कल से आप लोगों के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, टारगेट करके किसी को इस हद तक मारपीट करना, रोड पर घसीटना बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है। और हम मांग करते हैं सरकार से, रांची पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से, कि जो भी दोषी पुलिस पदाधिकारी हैं पूरी घटना की जांच की जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाए। देखिए हमारी प्रदेश कमेटी की टीम अभी यूपी चुनाव में प्रचार करने के लिए गई हुई है, परसों जैसे ही प्रदेश कमेटी की टीम वापस आती है हम लोग बैठकर इस मुद्दे पर विचार करेंगे और जहां तक जिस स्तर तक आंदोलन करने की ज़रूरत होगी
सड़क से लेकर सदन तक ज़रूरत पड़ी तो हम लोग राजभवन में वापस पुनः पंचायत समिति और तमाम जितने भी सरकार से जो वादा करके और अपने वादा से मुकर गई है और उन मांगों को लेकर जितने भी है, मैं तो तमाम आंदोलनकारियों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपको अपनी मांगे मांगने का अधिकार कहां से मिलता है? संविधान से मिलता है। और संविधान को बचाने के लिए एक हमारी ही पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ रही है, तो ये अलग अलग छोटे छोटे इसमें बटकर नहीं, तमाम जो अपने मांगों को लेकर एक मुद्दे पर एक झंडे के नीचे हम लोग एकजुट होकर और मजबूती से बहुत जल्द लड़ाई लड़ेंगे और तमाम लोगों से संपर्क करेंगे और रणनीति बनाएंगे। परिचय बता दीजिए सर। मैं समीर अली, सचिव AIMIM, प्रदेश सचिव AIMIM पार्टी झारखंड। मैं बोलना चाहूँगा इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि पुलिस कहूँगा कि सबसे पहले तो उनको रक्षक का काम बताया जाए कि आपको लोगों की सेवा करना है, ना कि बर्बरता पूर्वक मारपीट करने से बाज आने के लिए उनको कहा जाए, पहला बात। दूसरा बात यह है कि जो प्रवीण झा ने गुलाम हुसैन साहब को मारा है, पीटा है, घसीटा है, मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि अविलंब वैसे पुलिसकर्मियों को जो संघी मानसिकता रखते हैं, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, उनको अविलंब निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, ताकि भविष्य में फिर कोई पुलिसकर्मी किसी स्टूडेंट को, किसी आंदोलनकारी को और किसी इंसाफ मांगने वाले के ऊपर ऐसा बर्बरता पूर्वक घटना को अंजाम ना दे। मैं मोहम्मद जावेद अख्तर, सदर प्रत्याशी अंजुमन इस्लामिया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, रांची विधानसभा अध्यक्ष। मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि एक प्रशासन के हाथ से इतनी बड़ी घटना घटी है, ये बहुत शर्म की बात है। किसी छात्र के साथ ऐसा घटना होता है, अगर प्रशासन ऐसे आपको मैसेज पहुँचा रहे हैं तो लोगों के बीच में क्या मैसेज पहुँचेगा, आप खुद से समझ सकते हैं कि अगर प्रशासन ही लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं तो और पब्लिक क्या करेगी। उनको तो हौसला मिलेगा ना कि अगर प्रशासन कानून के कानून हो के वो लोग दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं, दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। जब मॉब लिंचिंग में कानून बना है तो फिर उसको ये दिखाया जा रहा है कि नहीं मुस्लिम है, वहाँ पे आवाज़ भी उठाया गया जो भी प्रशासन है कि मुस्लिम है, मुसलमान है, उसको मारो। क्यों होता है ये, किस लिए होता है, क्यों मुसलमान को ही प्रताड़ित किया जाता है? और जो भी बात होगी जुम्मा के बाद बात होगी, और मैं यही बोलती हूँ कि जो भी हुआ है सरकार इस पर कानून जो भी बना हुआ है मॉब लिंचिंग में उस पर कार्रवाई करे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। थैंक यू। मेरा नाम नाजिया परवीन, मैं ग्रामीण जिला अध्यक्ष महिला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।